क्लास 12 मैथ के अंतर्गत हम लोग आजकल समाकलन पढ़ रहे हैं। मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.7, तो इसको पढ़ने से पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण सूत्र बता दें जिसका आप इस्तेमाल सवाल में करेंगे। देखिए यही सूत्र यानी यही तीन पद आपके आएगा और इसी तीन पद का सूत्र, अगर मैं कहूँ कि करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इसके लिए जो सूत्र आएगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्स अपॉन टू करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग मॉड में एक्स प्लस करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड वन प्लस सी। यानी ये किसका सूत्र होगा, जब आपके समाकलन करणी के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो इसके सूत्र होगा एक्स बटा दो और करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा दो लॉग मॉड में एक्स प्लस करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड वन प्लस सी। अच्छा, जो सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं मॉड में समाकलन करणी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है तो इसको एक बटा दो एक्स करनी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन दो लॉग मॉड में एक्स प्लस करनी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। और जो आप थ्री नंबर देखते हैं समाकलन करनी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके जगह पर एक बटा दो एक्स करनी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन दो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये इन तीनों सूत्रों का आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए माइनस में रहेगा, बाद में अगर ये रहेगा तो यही सब रहेगा लेकिन माइनस लगा के लिखिएगा, अगर प्लस में रहेगा सब ये रहेगा प्लस, लेकिन अगर बाद में एक्स स्क्वायर रहेगा तब हम लोग साइन वाला जो सूत्र होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस प्रश्नावली को 7.7। आइए देखिए 7.7 जब हल करेंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं, क्या क्या दिया है इसके हिसाब से हम लोग हल करेंगे, सूत्र के हिसाब से हम लोग सवाल को भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 1 से 9 तक के प्रश्नों का फलनों का समाकलन करना है। अब जरा देखिए पहला सवाल है करणी में 4 - x² मान लेंगे, माना कि आई बराबर समाकलन करणी में 4 - x² इंटू डी एक्स, समाकलन लगाएंगे तो dx होगा। और आपको याद होगा वह सूत्र देखिए लिखा रहा है फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं x बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस अंतर इतना है कि जहां a है तहाँ 4 आपका दिया गया है तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो देखिए ए स्क्वायर की जगह पर 4 और यहां पर जहां तो आप चला देखिए 4 है तो 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जहाँ आप 4 देख रहे हैं आप चाहें तो और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं करणी में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बस आपका सूत्र हो जाए एक्स बाई टू और बाई टू का स्क्वायर तो 4 ही होगा, 4 - x² प्लस 2 साइन इनवर्स, यानी 2 क्यों आया क्योंकि 4/2 लिखेंगे, 4 से 4 को 2 से काटेंगे 2 बार में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी एस हो जाए। बात समझना पूरा ध्यान से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है करणी में 1 - 4x² तो माना कि आई बराबर समाकलन करणी में 1 - 4x² इंटू डी एक्स, यहाँ से आपका 2/2 से या 2 का यहाँ जो 4 देखते हैं आप यहाँ से 4 कामन ले लेंगे, याद करो जब 4 कामन लेंगे तो इसके नीचे 4/4 से मल्टीप्लाई मार दीजिए, 2/2 से मल्टीप्लाई मारिए तो ये जो नीचे वाला 2 होगा अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये भी 4 होगा तो 4 से 4 कैंसिल, ऊपर वाला 2 को बाहर समाकलन करनी में 1 - 4 - x² इंटू डी एक्स, 2 वैसे ही समाकलन 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही। अब आपको याद होगा फिर जो ये सूत्र है उसी पर रखेंगे, यहाँ सिर्फ जहाँ ए है तहाँ पर आप यह देखिए जहाँ ए है वहाँ पर एक्स वाई 1/2 जहाँ एक्स है तहाँ एक्स दिया। तो चलिए सूत्र पर बस रख देते हैं, आ जाएगा
पहले से टू ये उपस्थित है तो टू आगे लिखा गया। इसके लिए एक्स बाई टू कलनी में जैसा जितना दिया गया उतना लिख दीजिए प्लस, यहाँ पर आपका जो होगा ए स्क्वायर अपॉन टू होता है, तो ए का मान तो वन अपॉन टू है, इसका स्क्वायर इंटू टू है साइन पे इनवर्स एक्स अपॉन वन अपॉन टू प्लस सिक्स। तो ये आप क्या करेंगे, नीचे टू है एट है, टू कॉमन ले सकते हैं, तो टू से टू कैंसिल, यहाँ खाली एक्स बच जाएगा। और इसको जब पूरा हल करेंगे तो वन अपॉन फोर होगा, ये लसा लेकर हल करेंगे तो फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर्णी में वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एट था, तो आपने फोर कॉमन लिया वन अपॉन एट साइन पे इनवर्स टू एक्स प्लस सी आंसर। ओके अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं। थ्री नंबर कहता है कि कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, तो आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सी इंटू टी एक्स, इतना आया। अब आपको करना क्या है बालक, देखो यहाँ अब इसके बाद से आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए नियम मैंने आपको बताया था ना, दूसरा पद चार एक्स है तो यहाँ पर चार एक्स छोटा सा लिख देते हैं, अपान दो गुणा करने में पहला पद दूसरा कट जाएगा ना, दो तो दो का स्क्वायर इसमें जोड़ दीजिए घटा दीजिए, ज़रा सोचो यह सिंपल है, जो सिक्स है ना सिक्स, इसको फोर और टू में तोड़ दीजिए तो ये तो पूरा सूत्र पर आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये टू है तो करने में टू का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जरा प्लस वाला सूत्र होगा ना, एक्स बाई टू कलनी में जैसे है वैसे ही लिखिए, प्लस ए का स्क्वायर अपॉन टू, तो ये तो कलनी में टू है, टू का स्क्वायर टू है होगा तो टू अपॉन टू लॉग, और जैसे लॉग है ना तो एक्स प्लस टू यानी एक्स होता है प्लस जो कलनी में आपका है उसको एक्स प्लस टू का स्क्वायर, कलनी में टू का स्क्वायर तो वाई टू बार प्लस सी, इस तरीके से आपका आंसर हो जाए। कितना आसान क्वेश्चन था आप, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन है, तो आई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, समाकलन दिखा देंगे, फिर आपका वन है तो आप इसमें देखिए वन है ना, तो आप इसमें थ्री को जोड़ेंगे, थ्री बाहर निकाल देंगे, ठीक है तो बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर फोर माइनस थ्री कर देंगे, फोर माइनस थ्री जाएगा तो वन आपका आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर यहाँ से लगे यहाँ तक, और माइनस थ्री है तो अंदर थ्री का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये फिर माइनस वाला सूत्र होगा तो एक्स वाई टू होता है ना, तो एक्स प्लस टू अपॉन टू करने में जैसे है वैसे ही लिख देंगे, माइनस ए अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू, तो अंदर थ्री का स्क्वायर थ्री बार थ्री अपॉन टू लॉग, फिर आप एक्स प्लस टू प्लस जैसे वैसे लिख देंगे प्लस सी, तो इस तरीके से आप आगे जो अंत में आंसर आएगा थ्री अपॉन टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस करने के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन प्लस सी आंसर आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव को भी हल करते हैं। फाइव नंबर है वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, आई बराबर जो दिया उसको मान लेंगे, और आपको सबसे पहले यहाँ पर वन को पहले रख करके माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, इसमें फोर जोड़ेंगे फोर घटाएंगे तो माइनस वाला फोर को अंदर लेके जाएंगे कोष्टक में, याद करो यहाँ पर फिर आपको बता देते हैं, दूसरा पद बटा में दो गुणा करने में पहला पद, तो दो से चार दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तो वही होगा चार दो का वर्ग आएगा, तो चार जोड़ दिए चार घटा दिए, तो जोड़ने वाले को अंदर करेंगे क्योंकि माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा प्लस चार, अब चार एक जोड़ देंगे पाँच हो जाएगा, और एक्स प्लस टू का स्क्वायर इंटू टी एक्स। अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जो समाकलन है, समाकलन करने में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स जो सूत्र होता है उसको लिख देंगे, एक्स करने में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन पी नोट एक्स अपॉन ये होगा, समझिए। तो अब इस तरीके से आप इसको हल करते चलिए, इतना आ जाएगा, और फिर आगे चलते हैं हम लोग आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस, आप इसको भी पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो दूसरा पर चार एक्स है दो गुणा एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल दो से चार दो बार में, तो दो का स्क्वायर जोड़ देंगे दो का स्क्वायर घटा देंगे, देखिए तो दो का स्क्वायर जोड़ेंगे तो चार जोड़ देंगे और दो का स्क्वायर घटाएंगे तो चार होगा, तो माइनस पाँच माइनस चार माइनस नौ हो जाएगा। तो अब करना क्या है, यहाँ पर समाकलन करने में एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार माइनस नौ,
और ये जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार, तो एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर, नौ है तो तीन का स्क्वायर, और उसके बाद से आप सूत्र जानते ही होंगे इसका, माइनस में है तो एक्स अपान टू होता है, तो एक्स प्लस टू अपान टू करने में एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर और माइनस नौ बटा दो लॉग एक्स प्लस टू प्लस करने में एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन के पास चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है कलनी के अंदर वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आई बराबर समाकलन कलनी के अंदर वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस दो गुना एक्स गुना तीन बटा दो प्लस नौ बटा चार माइनस नौ बटा चार माइनस हल किए तेरह बटा चार माइनस एक्स माइनस तीन बटा दो इंटू डी एक्स। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा हल करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, एट नंबर क्वेश्चन कहता है कलनी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इसका भी दूसरा पद बटा में दो गुणे करने में पहला पद, तो तीन बटा दो जोड़ देंगे, तीन बटा दो का स्क्वायर जोड़ेंगे, देखिए वही तीन बटा दो का स्क्वायर नौ बटा चार हुआ है, नौ बटा चार को घटा देंगे, ये सूत्र हो जाएगा एक्स प्लस तीन बटा दो का होल स्क्वायर माइनस ये होगा तीन बटा दो का होल स्क्वायर। फिर आप इसको सूत्र पर तोड़ेंगे, सूत्र पर तोड़ेंगे तो एक्स बाई टू होता है ना, तो एक्स प्लस थ्री अपान टू अपान टू, ठीक है कलनी में जैसे पूरा लिख देंगे, माइनस अब ए स्क्वायर अपान टू होता है तो नौ बटा आठ हो जाएगा जब आप करेंगे तो, अरे भाई ए स्क्वायर का है ना तीन बटा दो तो नौ बटा चार हो जाएगा, नीचे दो होता है नौ बटा आठ लॉग जैसा है एक्स प्लस तीन बटा दो प्लस कलनी में जैसा है ये वैसे ही लिख देंगे और तब प्लस सी। उसके बाद से हल करेंगे तो जब देखिए लसा लेंगे यहाँ से तो दो एक्स प्लस तीन, तो दो एक्स प्लस तीन बटा चार कलनी में एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस नौ बटा आठ लॉग जैसा है वैसे ही उतार देंगे। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नाइन्थ भी देख सकते हैं कलनी के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर अपन नाइन, तो ऐसे ही लिख देंगे, आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर नौ हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस नौ, नौ अंदर है तो बाहर निकल जाएगा तीन एक बटा तीन, यानी एक बटा तीन समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस नौ हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल है, बस सूत्र पर हो ही गया है नौ है तो आप इसको तीन का स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स एक्स बाई टू और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप यहाँ पर देखिए रख दीजिए तो हो जाएगा, यहाँ पर आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, वन अपन थ्री तो पहले से है एक्स स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर का, चलिए तो हो जाएगा एक बटा तीन पहले का है एक्स वाई टू कलनी में एक्स स्क्वायर प्लस नौ जो का है वैसे ही प्लस नौ बटा दो लॉग कहाँ से आया ए स्क्वायर यानी तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा अपन टू लॉग एक्स प्लस कलनी में एक्स स्क्वायर प्लस नौ प्लस सी, तो आप गुणा करिए एक्स गुणा एक में तो एक से रहेगा तीन गुना छः कलनी में एक्स स्क्वायर प्लस नौ और प्लस नाइन लॉग एक्स और इससे जिससे है उसे उतार दें। दो प्रश्न और दिए गए हैं, प्रश्न दस और ग्यारह को सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न दस कहता है समाकलन करने में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसमें कौन विकल्प सही होगा उसको बताना। चलिए आपको बता दें बहुत सिंपल है, एक का स्क्वायर कर देंगे, ये सूत्र आप देख रहे हैं एक का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर जो होता है इसके आधार पर आप हल करेंगे, तो एक्स अपॉन टू करने में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये सूत्र होता है, और आपका जो सवाल है इसके हिसाब से तो एक्स बाई टू करने में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस करने में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो आपका जो विकल्प है सही है। ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन इंटू डी एक्स, तो इसमें चार का स्क्वायर जोड़ेंगे चार का स्क्वायर घटा देंगे, देखिए हल करते हैं यही है चार चौके सोलह हो जाएगा, सोलह जोड़ देंगे सोलह घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक तो x माइनस चार का होल स्क्वायर हो जाएगा, सोलह में से सात जाएगा नौ, तो यहाँ पर तीन का स्क्वायर कर सकते हैं आप, यहाँ पर नौ है तो किसका स्क्वायर कर सकते हैं तीन का स्क्वायर, तो एगो में आपका जो होगा सेम यहीं पर आ जाइए, जो आप हल करेंगे तो याद करो ये जो होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र पर होगा, तो होगा एक्स माइनस फोर अपान टू कलनी में एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन माइनस नाइन अपन टू लॉग एक्स माइनस फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन, विकल्प डी आपका सही होगा। तो इस तरीके से ये अभ्यास 7.7
खत्म होता है। धन्यवाद।